तो हमारा निवेदन है, मैं कहूँ इनको कैसे पता लगा जब हाईकमान ने अपने ऑब्जर्वर राजस्थान में भेजे थे, पहले उनकी बात सुननी चाहिए, वो यहाँ से सारा सर्वे करके सारे विचार विधायकों के जान करके और जाकर के जो भी तय करते और जो हाईकमान फैसला करते वो मानना चाहिए। हो सकता है इनको कोई शगुन आता होगा, वो तो हमको इस बात की नाराजगी है। अब वो ये कहते हैं कि 102 के अलावा कोई बनना ही नहीं चाहिए। भाई 102 के अलावा नहीं बनना चाहिए तो हम मंत्री कैसे बने, बताइए आप भाई। क्या हम कांग्रेस ही नहीं है? क्या हमने काम नहीं किया? क्या हमारा जनाधार नहीं है? क्या सचिन पाठक ने राजस्थान 5 साल तक मेहनत करी नहीं करी थी? क्या सचिन पाठक का जनाधार नहीं है? यदि वास्तव में कांग्रेस के हितैषी है वो, यदि वास्तव में वो हाईकमान की बात को मानते हैं तो हाईकमान की बात का वेट करना चाहिए, हाईकमान के फैसले का इंतजार करना चाहिए। और जब हाईकमान का फैसला हो सकता है हमारे पक्ष में आता है उनके पक्ष में आता, हाईकमान भी कोई ऐसे नहीं बैठा, हाईकमान सोच साथ करके जो भी पार्टी के हित में वो फैसला करेगा। इन्हें तो ये तो पहले आउट हो गए। हाईकमान कहेगा सचिन पाठक के नेतृत्व में, तो सचिन पाठक नेतृत्व में काम करेंगे। हाईकमान ये तय कर देगा कि भाई तीसरा यदि कोई करेगा तो जो पार्टी हित में हाईकमान फैसला करेगा हम सारे लोग उस फैसले को मानेंगे, और ये उनको भी मानना चाहिए यदि वास्तव में हाईकमान की बात मानते हैं तो। यदि वो कह रहे हैं एक तरफ सारे नेता दोहरी बात कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ तीन जन से सबके स्टेटमेंट, चाहे धारीवाल जी हो, चाहे प्रताप जी हो, चाहे कोई तीसरा हो, चाहे प्रसाद लाल जी हो, हाईकमान की बात का हम सम्मान करेंगे, हाईकमान की बात हम मानेंगे, ये तो सब कह रहे हैं, आप भी सुन रहे होंगे। और एक तरफ उन्हीं की बातों से लग रहा है कि वो बगावत कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं हम हाईकमान की बातों को मानेंगे, हमने पहले भी मानी, अब भी मानेंगे। उन्होंने ये कैसे कह दिया कि हम बीजेपी गोदी में जाके बैठ गए? हम उन लोगों में से हैं, हम घर बैठ सकते हैं, लेकिन बीजेपी से हमारी विचारधारा नहीं मिलती है। जब से हम कांग्रेस में आए हम लगातार कांग्रेस के समर्पण की भावना से काम कर रहे हैं। पिछली सरकार में हमने समर्पण की भावना से काम किया, लगातार हम कांग्रेस से काम करते आए, और जो आरोप लगा रहे हैं हम तो ऐसे समर्पण भावना से काम कर रहे हैं। आज सुबह देख लो तो एक बार में जब तक इनको मलाईदार पद मिलते रहे, जब तक इनके काम होते रहे, जब तक कांग्रेस बने रहे, जब तक हाईकमान के वफादार बने रहे, और जैसे ही इनको कोई थोड़ा इनको झटका लगता है तो तुरंत बगावत कर देते हैं। 2008 में स्वयं को टिकट नहीं मिला था तो प्रसाद लाल जी निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जब वो इतने हाईकमान के वफादार थे, इतने ही पार्टी के वफादार थे, तो निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ा? घर बैठ के हाईकमान की बात। और एक तरफ दोनों भाषा को प्रयोग कर रहे हैं सारे नेता, एक तरफ तो कह रहे हैं हम हाईकमान का आदर करते हैं, हम हाईकमान की बातों को मानते हैं, हम हाईकमान की बातों को ये करते हैं, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि साहब 102 के अलावा किसी को मंत्री नहीं बनने देंगे, किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। भाई जब नहीं बनने देंगे तो हाईकमान की बातों को मान खा रहे हैं। भाई एक बात बताओ, या तो कहो कि भाई हम जो हाईकमान तय कर देगा उसको हम मानेंगे, या कहो कि भाई हमारी हाईकमान से बगावत हम नहीं मानेंगे। हम मानते हैं हाईकमान की बातों को। तो 2020 में हम यहाँ से हमारे नाराजगी कारण हम गए थे, और जैसे ही हमको हाईकमान ने बुला के हमसे बात करी और हमसे ये कहा था कि तुम्हारी सुनी जाएगी, तुम जाके सरकार का साथ दो, सरकार में काम करो, तब से लेकर लगातार हमारा प्रत्येक व्यक्ति पार्टी का काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। कहा था अगर कांग्रेस को मजबूत करनी है प्रदेश के अंदर, कांग्रेस को आगे बढ़ाना है, कांग्रेस को सत्ता में वापस लाना है, तो सारी बातों को भूल करके मिलके काम करेंगे तो निश्चित कांग्रेस आएगी। और इस प्रदेश का एक एक बच्चा जानता है इस टाइम क्या भावना है, प्रदेश का एक एक बच्चा ये भी जानता है कौन किसका जनाधार कितना है, प्रदेश का प्रत्येक बच्चा जानता है सत्ता किस वजह से आई थी, और प्रदेश का हर बच्चा भी ये जानता है। इस टाइम जो माहौल है प्रदेश के अंदर, आप सारे मीडिया के बंधु हो, आप स्वयं समझते हो, और गाँव जाकर पूछ लो किस तरह का एक जनता में जोश है, एक युवा में जोश है, वो क्या चाह रहे हैं, उनकी भावनाएं क्या है, और मैं समझता हूँ कि वो भावनाओं हाईकमान तक भी निश्चित ही पहुंचते हो किसी न किसी माध्यम से।